रजब भट्ट और डक्की भाई की लड़ाई। डक्की भाई और असद गांव की बड़ी सड़क पर बातें करते हुए जा रहे थे। आए हाय 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 यार, लेवल की गर्मी पड़ रही है असद भाई। तुझे याद है यार, हमने ट्रक में स्विमिंग पूल बना दिया था भाई, लेवल का शुगर मिला हुआ था भाई, चस आ गई थी भाई। आए हाय 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 आ हा 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 हाँ यार बिल्कुल याद है मुझे, हमारी वो वीडियो वायरल भी बहुत हुई थी यार, मजा आ गया। डक्की और असद बातें करते जा ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक बड़ी गाड़ी फर्राटे मारती हुई आई। और बड़ी स्पीड के साथ सड़क पर मौजूद कीचड़ उड़ाती हुई उन दोनों के पास से गुजरी। सारा कीचड़ उड़कर डक्की भाई के ऊपर जा गया। अबे किस बदतमीज को रब ने गाड़ी दे दी है भाई, जिस चौके को ये भी नहीं पता कि चलानी कैसे है, फजूल इंसान जाहिल। तभी गाड़ी ब्रेक लगाकर रुकी और ड्राइविंग सीट का मिरर डाउन हुआ तो अंदर रजब भट्ट बैठे थे। रजब शीशे से बाहर मुंह निकाल कर बोला, ओए डड्डू किसको शोका कह रहा है, अभी देखता हूँ मैं इसको। रजब और उसका दोस्त गाड़ी से निकल कर इनके पास आ गए। ओ भाई मुझे पहले ही तुझ पर शक था, और बैंगन के हमशक्ल, इतना बड़ा जहाज खरीद लिया है तो साथ में चश्मा भी बनवा लेते तो कम से कम ठीक से नजर तो आ जाता। क्यों असल ठीक कह रहा है ना तेरा भाई, एकदम ठीक उस्ताद। अपना मुंह देखा है तूने, जिमे कढ़ाई वाला पैंपर हुंदा है, तू सड़क के बीच क्यों चल रहा है, थोड़ा साइड पे नहीं चल सकता। ओए पेज कस के हैंडल ज्यादा बड़बड़ ना कर, पॉपकॉर्न कहानी टीवी के इस गांव में पहले मैं आया था, तू बाद में आया है, मैं जैसे मर्जी चलूं, ये पॉपकॉर्न कहानी टीवी का ये गांव मेरा है। जितना तेरा है ना उतना मेरा भी है बेटा, पूछ जरा जाके अवैध साहब से जिन्होंने पॉपकॉर्न कहानी टीवी बनाया है। यार बट छोड़ इनको, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, माँ जी हमारा इंतजार कर रही है यार। अभी मुझे जल्दी है, तुझे तो मैं वापस आकर देखूंगा बेटा। ओ भाई इससे पहले कि तू हमें देखे हम तुझे देख लेंगे भाई, इंतजार कर मेरा बच्चा भाई। रजब और हैदर गाड़ी लेकर चले गए। जबकि डक्की भाई असद से बोले, यार असद इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा यार, इसने तेरे भाई के साथ, इसने डक्की भाई के साथ पंगा ले लिया है डक्की भाई से। उस्ताद तू टेंशन ना ले यार, इसको सबक सिखाने का एक आइडिया है मेरे जहन में। तू बोल बिंदास बोल, क्या आइडिया है आज, ये नहीं या मैं नहीं भाई, आज कुछ ना कुछ कर देंगे भाई। असद ने सारा प्लान डक्की भाई को बताया। डक्की भाई असद की बात सुनने के बाद बोले, आए हाय 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 वाह भाई वाह मेरे यार, तू तो बड़े काम का निकला यार, मुझे तो लगता है खाली कोपड़ी लेकर घूम रहा है यार। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा रजब हैदर से बोला, इस मोटे टिड वाले का इलाज करना पड़ेगा, बट से पंगा इज नॉट चंगा। यार तू टेंशन ना ले, देख लेंगे इसको, तू गड्डी चला फटाफट। The next day. लो जी क्या हाल है जी सबके, आए हाय 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 हाय, आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है भाई। रजब भट्ट ने कल आपके भाई के ऊपर कीचड़ डाला था, लेकिन फिक्र ना करें भाई, आपके भाई ने उससे बदला लेने का बना लिया प्लान, बस देखते जाओ मैं इसके साथ करता क्या हूँ। डक्की भाई और असद रजब के घर के बाहर पहुँच गए। अबे यार असद जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, रजब के घर से बाहर आने से पहले हमने काम खत्म करना है भाई। बस हो गया यार, तो सीन कुछ ऐसे हैं कि भाई हम अपना काम खत्म कर चुके हैं, अब रजब का रिएक्शन क्या होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा भाई। दूसरी तरफ रजब सेहन में सोया हुआ था, तभी माँ जी आई और बोली, रजब ओए रजब उठ जा जानी, उठ कर मुझे कोई सब्जी ला कर दे दे। क्या यार मम्मा कभी तो सो लेने दिया करें यार। रजब आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया, जहन में कुछ क्लिक हुआ। ओ नो आज तो किसी डड्डू को मजा चखाना था। डड्डू किसकी बात कर रहे हो रजब अली? मम्मा जी छोड़ें आप, आपके टाइप की बात नहीं है। देखो रजब अली अगर तूने अब किसी से लड़ाई की ना तो तेरी खैर नहीं मेरे हाथों, मैंने तेरी टांगे तोड़ कर रख देनी है। मम्मा जी इस बार लड़ाई मैंने शुरू नहीं की,
अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। तो सीन कुछ यूँ है कि कल आपके भाई के साथ एक बंदे ने बदतमीजी की थी, पता नहीं उसको बंदा भी कहना चाहिए या नहीं, तो आज उसी का दिमाग ठीक करना है। क्या प्लान है ये आपको कुछ टाइम तक बताता हूँ। अभी चलते हैं, माँ जी को सब्जी ला के देते हैं पकाने के लिए। रजब घर से बाहर निकला तो अपनी गाड़ी देख कर हैरान रह गया। तो दिखा दी तुम लोगों ने अपनी औकात। रजब ने वहीं खड़े हैदर को कॉल की। हैदर यार, जल्दी पहुंच, वो कमीने अपना काम दिखा गए हैं। डक्की भाई और असद भी वहीं छुपकर रजब का रिएक्शन देख रहे थे। मुंह ऐसे बनाया जैसे घी का खाली टीन हो। हैदर भी आ गया था। माँ जी हैदर और रजब की आवाजें सुनकर घर से बाहर आई तो गाड़ी देख कर हैरान रह गई। रजब की प्यारी प्राडो जहाज स्टिकी नोट से भरी हुई थी। हाय रजब पुत्र, ये लोग हमारी गाड़ी के पीछे हाथ धोकर क्यों बैठ गए? ये अब किसका काम है? है एक चवल जिसका ये काम है। रजब अली, मुझे लगता था तू ही सबसे बड़ा चवल है, पर ये देखकर अंदाजा हो गया तुझसे ऊपर भी है कोई। माँ जी आगे बढ़ी, गाड़ी से एक नोट उतारा और ऊंची आवाज में पढ़ा, ओए थूक वाली बास्केट। फिर अगला नोट उतार कर पढ़ा, ओए कद्दू। फिर अगला नोट पढ़ा, ओए मुर्गी के पंजे। रजब और हैदर का गुस्से से बुरा हाल था, जबकि माँ जी हंसने लगी। रजब पुत्रे, मेरा तो हासा ही नहीं रुक रहा। डक्की के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई मुझे भी तो बताए क्या हुआ है। रजब और हैदर से सारी बात सुनने के बाद माँ जी बोली, अगर देखा जाए तो तुम लोगों का हिसाब बराबर हो गया है। तुमने उस पर कीचड़ फेंका और उसने तुम्हारी गाड़ी पर स्टिकी नोट लगा दिए। लेकिन मम्मा जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, डक्की और असद सामने आओ, मुझे बताए तुम लोग यहीं पे छुपे हुए हो। वो दोनों जो इनकी बातें सुन रहे थे सामने आए। तुम दोनों का जो भी मसला है यहीं खत्म करो। रजब, तुम्हारी ज्यादा गलती है, तुम इर्द गिर्द का ख्याल रखते हुए गाड़ी चलाते ना। मम्मा जी आप अच्छा नहीं कर रही। बस रजब अली, अब मजीद कोई लड़ाई नहीं, चलो दोनों गले मिलकर लड़ाई खत्म करो। आंटी आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं? फ्लैशबैक। माँ जी घर से बाहर आई तो उनकी नजर डक्की और असद पे पड़ी। ये लोग क्यों यहाँ छुपे हुए? और रजब भी गुस्से से बोल रहे, या अल्लाह खैर, चलो डक्की और रजब दोनों जफ्फी डालो। मम्मा जी आप मेरी माँ होके उसका साथ दे रही हो यार, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। ओए तू चुप कर, ते चल जफ्फी पा मेरे पुत्र, चल शाबाश। डक्की भाई और रजब ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस कर जफ्फी डाली। जैसा कि आपको पता चल गया है कि हमारी सुलह हो गई है, लेकिन मम्मा जी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उनके लिए एक प्लान है मेरे पास। प्लान क्या है ये जानने के लिए अगली स्टोरी देखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मम्मा जी को सबक सिखाऊंगा मैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट भी करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।